तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, सौरभ जोशी गए हुए हैं दिल्ली और वहां पे अपना नया कैमरा लेने के लिए और साथ में थार में मॉडिफाई करवाने के लिए। दिल्ली जाते ही सौरभ जोशी कुछ स्टूडेंटों के साथ कर देते हैं एक प्रैंक। सौरभ जोशी को जानते हो क्या? हाँ। कौन है सौरभ जोशी? यूट्यूबर है। वो मेरी तरह दिखते हैं। हाँ। हम वही प्रैंक कर रहे हैं, सौरभ जोशी प्रैंक कर रहे हैं। आप उनकी तरह दिख रहे हैं इसलिए हम आए। हाँ, मैं उन्हीं की तरह दिख रहा हूँ। कॉपी लग रहा हूँ, ये कह रहे हैं कॉपी लग रहा हूँ, कॉपी लग रहा हूँ कह रहे हैं। तो भाई आज हमारा प्रैंक सक्सेसफुल रहा, इनको लग रहा है कि मैं सौरभ जोशी हूँ। और दिल्ली जाते ही सौरभ जोशी अपनी थार लेकर के रॉन्ग साइड में घुस जाते हैं, जिससे उनको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है। और ट्रैफिक पुलिस उनका चालान करने के बजाय उनसे यह पूछती है कि उनके पास कितना कैश पड़ा हुआ है और वह तीनों कितना कैश दे सकते हैं। और सौरभ जोशी इस बारे में क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारी गलती थी, हम रॉन्ग साइड चले गए थे, हमको रोका, रोक के बोले 5,000 चालान कटेगा। और पता क्या कह रहे पुलिस वाले, क्या कह रहे मुझे, तेरे पास कितना कैश पड़ा है, ये कह रहे कितना कैश पड़ा है। मैं कह रहे 5,000 चालान है तो कितना दे सकता है, मैं कह मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तुम तीनों के पास कितना पड़ा है, ऐसे कह रहे पुलिस वाले। ये बात बोल रहे दिल्ली वाले कि तेरे पास कितना कैश पड़ा है, देख लो। अरे गलती अपनी थी ना वहाँ पे, तो गलती मेरी थी, मैं चालान कटवाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं तेरे पास कितना कैश पड़ा है। उन्हें चालान नहीं काटा, चालान नहीं काटा, देखो पैसे लेने हैं, पैसे लेने। तो गाइज, आपको भी क्या कभी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को भी दबा देना।